अगर आप जिंदगी में सिर्फ दस किताबें पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये दस किताबें होनी चाहिए नंबर एक बाई से खूबसूरत जो मैंने शायद 2008 या 2009 में पढ़ी थी काफी टाइम हो गया इस किताब में सेट गॉर्डन ये बताते हैं कि आप कैसे जिंदगी में इंडिस्पेंसिबल बन सकते हैं इसका मतलब ये कि कैसे आप अपने काम के थ्रू अपने नजरिए के थ्रू एक ऐसा वजूद बना सकते हैं जिससे लोग आपको कभी हिला नहीं सकते वो आपको इतनी बारीकी से समझते हैं और इतने अच्छे से परखते हैं इज्जत करते हैं कि आप हमेशा उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खासकर अपने 20's में ये किताब आपके लिए सबसे बढ़िया किताब होगी अगर मैं इन किताबों के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं पांच ऐसी बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज भी शेयर करना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आप उनको भी चूज कर सकते हैं तो पंद्रह किताबें करेंगे लेकिन दस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर दो सेपियंस ये

उन सब के चलते हम आज पहुंचे हैं दिस इज ए बुक विच विल जस्ट मेक यू वेरी अवेयर अबाउट द रियल वर्ल्ड अक्सर हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं पैसे को फॉर ग्रांड ले, ले लेते हैं भगवान खुदा जो भी है जिसमें आप विश्वास करते हैं उनको फॉरग्रांटेड ले लेते हैं लेकिन ये बुक धीरे धीरे ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे उन सारी चीजों का इमरजेंस हुआ एंड हाउ दे हैव इंपैक्टेड है लाइफ ये पूरी सीरीज को स्पॉन्सर किया है कुकू एफ ने जो हिंदुस्तान का नंबर वन Audio है, जहां आप अपनी अपनी चुनिंदा भाषा में सुन सकते हैं टू गेट फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑन एमरा जो कियोग्राफीज की, है। है, की बात करते हैं एक बायोग्राफी विच आई वुड हाईली रिकमेंड बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन ये जे आर डी टाटा की ऑटोबायोग्राफी सॉरी बायोग्राफी है जो की आर एम लाला ने लिखी है इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी अबाउट जे आर डी टाटा कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत से अभी तक टाटा की स्थापना करी कैसे उनके वैल्यूज बने कैसे उनकी पर्सनल जर्नी एंड लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने कंपनी को भी वैसे बनाने की कोशिश करी आई कैन नॉट ओवर इंफेसाइज द पावर ऑफ दिस बुक बहुत बहुत ही बढ़िया बुक है नंबर तीन ऑन द टेन बुक्स जो आपको जिंदगी में पढ़नी चाहिए मंक हुरारी मेरी ओरिजिनल कॉपी है uh, तभी आपको इस लो हालत में दिख रही होगी आई लेट मी जस्ट चेक ये किताब कब की है इट इज इनक्रेडिबल दैट आई हैव ऑल दिस कि बुक्स ये है किताब 2003 2003 की किताब मतलब मेरा प्रिंट 2003 का है एंड दिस इज बाय अ गाय नेम रॉबिन शर्मा रॉबिन शर्मा बहुत फेमस मोटिवेटर स्पीकर हैं फिलोसोफर हैं एंड दिस स्टोरी इज बेसिकली एक फिक्शन बुक है अबाउट अ लॉयर जो अपनी जिंदगी से एकदम तर पितर हो चुके हैं एंड देन दैट गाय ऑन टू रियलाइज इज ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ तो वो बोलते हैं ना कंफ्यूशियस की बहुत पावरफुल कोट वी 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 ऑल हैव हैव टू एंड द वन वन रियलाइज ओनली दिस बुक इज द बेस्ट टेस्टमनी टू दैट कोट ब्रिलियंट बुक जितनी जल्दी आप अपनी जल्दी जितनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में इस बुक को पढ़ सकते हैं उतना ही अपने आप को बेनिफिट करेंगे इसी बुक के अराउंड फोर मैं सर्च फॉर मीनिंग विक्टर की ये बुक है ट्रू स्टोरी अबाउट विक्टर जो कि हार्डशिप सारी परिस्थितियों के बीच में उनका एक नजरिया विच हेल्ड हिम इन होप विच हेल्ड हिम इन गुड लाइट इज वॉट दिस बुक इज अबाउट इस बुक के चलते देर इज अम ऑफ थेरेपी That was introduced, उसके बारे में बताऊंगा नहीं बिकॉज बुक और बहुत अतली बुक है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बुक है इट समथिंग दैट विल इम्पैक्ट यूर लाइफ फॉर एवर इफ यू ट्रूली रीड इट एट द राइट टाइम बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज में एलॉन मस्क दिस इज बायस बहुत सेमिनल बुक अराउंड एलॉन इतनी डेप्थ में एलॉन मस्क के बारे में शायद ही किसी किताब में लिखा गया है या किसी आर्टिकल में कवर किया गया है अभी भी उनकी जिंदगी चली रही है लाइक like, लिटरली पिछले हफ्ते एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है और पता नहीं क्या करने वाले हैं ट्विटर के साथ तो इतनी वाइब्रेंट उनकी जिंदगी है कि किसी भी पॉइंट पे उनकी बायोग्राफी लिखना इज ऑलमोस्ट लाइक कैप्चरिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ इज इंटायर लाइफ तो शायद उनके बाद ही एक प्रॉपर कंप्लीट बुक निकल पाएगी बट अंटिल देन इट्स अ ग्रेट बुक टू लर्न की

वेरी क्लोज इज नंबर सिक्स जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। बट थिंक इन किताबों ने मेरी जिंदगी में सबसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाया book, recently, शायद एक या दो साल पहले इट जस्ट चेंज एवरी थिंग दैट आई न्यू अबाउट माई लाइफ बिकॉज इट वैलिडेटेड बहुत सारे मेरे बिलीव जैसे मैं अपनी जिंदगी जिया था और जीता आया हूँ एंड मेड इट ऑल वेरी क्लियर इन वर्ड्स तो कपिल गुप्ता इज अस्टर ये एक ऐसी बुक है जो शायद अपने ट्वेंटीज में जब आप पढ़ेंगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे इसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे बहुत हार्ड बुक है बट इफ यू रीड एट एट द राइट टाइम इट विल कम टू यू इन वे दैट बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज में नंबर तीन विल स्मिथ की बायोग्राफी विल एंड इट्स रिटन बाय मार्क मैं वही इंसान जिसने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ तो

मेरी जिंदगी कंप्लीट है इफ आई एवर फील लॉस्ट इफ आई एवर फील द नीड टू बी रिमाइंडेड अबाउट की जिंदगी कैसे जीनी है इन दोनों बुक्स में से मैं एक बुक को उठाता हूँ किसी भी पन्ने को खोलता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ एक टीचर और एक फिलोसफर के बीच में कॉन्वर्सेशन है पांच रातों के बिटवीन एंड इट इज जेनवली एवरी थिंग टू नो अबाउट लाइफ एज द करेज टू बी डिस ऐसे मकाम पर पहुंचना जहां आपके पास वो साहस है

जब मैंने ये बुक पढ़ी थी 2009 हजार नौ हाँ दो में ही मैंने ये बुक पढ़ी थी एंड इट चेंज एवरी थिंग न्यू अबाउट वर्क ये एक ऐसी किताब है जो आपको ये बताएगा कि काम की तरफ जो हमारा नजरिया है वो कैसे अलग होना चाहिए और कैसे दुनिया हमें काम के बारे में कुछ बोलती रहती है जो कि हमेशा सही नहीं होता है एंड इफ यू वॉन्ट टू देन थिंक अबाउट रीडिफाइनिंग लाइफ देन दिस इज अ ग्रेट बुक टू स्टार्ट ये पूरी सीरीज को स्पॉन्सर किया है कुकू एफ ने जो हिंदुस्तान का नंबर वन ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी फेवरेट किताबें अपनी चुनिंदा भाषा में सुन सकते हैं बायोग्राफीबायफीजायोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज नाइकी एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे बहुत 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 पसंद है नॉट जस्ट फॉर इट्स मार्केटिंग बट ऑल्सो इट्स वैल्यूज ऑल्सो द वे द कंपनी हैज बीन बिल्टअ अप एंड फिलनाइट की कहानी इज इमेंसली इंस्पायरिंग एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताती है कि लगे रहो बस लगे रहो इट इज इनक्रेडिबल कि नाइकी के शुरुआत में एंड दिस दिसर्स बट लाइक लिटरलीयर्स एंड यॉज ऑलमोस्ट लाइक कभी भी मर सकती है कभी भी मर सकती है एंड ये नंबर एट ऑन बुक्स जो हमें पढ़ना है फिलॉसफी नी फी साइकोलॉजी इसलिए ये पैसा कैसे बनाते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं है और कैसे वो आपकी फितरत से मेल खाती है, उसके बारे में चर्चा करती है इनक्रेडिबल so so बुक वेरी डीपली रिसर्च अगर आप मॉर्गन हाउसल को नहीं जानते हैं तो उनके ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं जो पिछले कई सालों से वो लिखते आ रहे हैं

टीट्स तो जो भी नवल ने बहुत सालों तक ट्वीट किया है उन सबको गैदर करके एरिक ने ये बुक लिखी है इट इज एन इनक्रेडिबल बुक अबाउट जस्ट लाइफ इट इज नॉट अबाउट नेसेसरली ऑनटरप्रिनोरशिप नॉट अबाउट स्टार्टअप लेकिन नवल एक टेक्नोलॉजी ऑन्टरप्रिन है सिल्कन वैली में रहे हैं तो उसका फ्लेवर रहा है बट दिस बुक इज इसशली अबाउट हाउ टू लिव लाइफ की आपकी जिंदगी की तरफ आपका नजरिया कैसा होना चाहिए एंड फाइनली बोलिए मैं कि 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 पहले दिखाऊं दिखाऊं। ये ये जो जो हर एक एक इंसान को पढ़नी चाहिए, ऐसी किताब जो आपको ये बताती है छोटी छोटी छोटी-छोटी, छोटी आदतों से कैसे आप बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं एंड दिस बुक वे दैट नो अदर बुक हैज कम एवर क्लोज टू बेस्ट सेलर रही है पता नहीं मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी हैं एंड विद टफेस्ट बुक इट्स थिक बुक एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी डीप तो जैसे करेस्ट टू बी डिस आत्म मन है जो शायद जिंदगी के एक मकाम पर ही हमें स्ट्राइक करती है हमेशा नहीं दिस बुक इज लाइक दैट बट इफ यू कैन ड्रॉ द कर दिस ब्रोक आई वु हाईली रिकमेंडेड क्योंकि इसमें इतनी क्लैरिटी है अबाउट लाइफ इन जनरल एंड कोर्स थ्रू द लाइफ ऑफ योगानंद जी दैट लेफ्ट एब्सोल्युटली क्लियर एंड सर्टेन अबाउट हाउ थिंग्स आर ये रही दस किताबें जो मुझे लगता है हर एक शख्स को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़नी ही चाहिए आई वॉन्ट गिव ऑल दीज टेन बुक्स टू यू एज अ गिफ्ट एंड द वे टू डू दैट इज अभी जाकर आप कॉमेंट सेक्शन में ये टाइप करिए कि आपको इन दस में से कौन सी किताब ज्यादा पसंद है मैं जिस इंसान को भी चूज करूंगा मैं उनको दस की दस बुक्स ही दूंगा बट आई वॉन्ट टू सी कि आप कौन सी एक बुक चूज करते हैं देर इज नो राइट आंसर देर इज नो रॉन्ग आंसर मैं किसी एक किताब के पीछे नहीं जा रहा हूं आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन की आप किस बेसिस पे वो एक किताब चूज करते हैं ऑफ द टेन बुक्स दैट आई लेक्टेड फॉर यू दैट इज हाउ कॉन्टेस्ट विल बी दो हफ्ते तक ये कॉन्टेस्ट ओपन रहेगा इस वीडियो के दो हफ्ते बाद जब इस वीडियो के रिलीज के दो हफ्ते बाद आई विल पिक वन रैंड बुक्स इन दिस होप दिस वॉज फन एंड इन सारे बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कॉमेंट में है अगर आप उन लिंक्स पे जाकर उस पर क्लिक कर इन किताबों को खरीदते हैं

यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो सिक्सटी सेकंड के शॉर्ट देख सकते हैं नो लॉन्ग फॉर मैट कॉन्टेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो सिक्सटी सेल्प यू जस्टिस मच एस दीज लॉन्ग फॉर मैट वीडियोज डू सब्सक्राइब करिए पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू दो बारिकू शॉर्ट्स चैनल